अपने रेंजर का नाम नहीं पता? मामला ये है कि हमारे यहाँ पे ग्राम लक्ष्मणपुरा में इसकी सूचना मिली कि इस एक हाथी वहाँ पे है और इसने किसी मोती को मार दिया है और वो जो है बावाल नहीं है और गांव वाले दहशत में है। तो मैं अपने रेंज अफसर ने मुझे फ़ोन लगाया, मैं वहाँ मौका पे पहुँचा तो वो ग्राम भितरिया ग्राम में घूम रहा था। बाकी वहाँ मैंने देखा तो रोटी खा रहा था, कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि पागल है। तो साहब लोग बोले ठीक कोई बात नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन देखिए रजिस्ट्रेशन की नहीं है। मैंने इससे बोला मैं रजिस्ट्रेशन मिले मेरे पास तो नहीं है, मालिक के पास में है। अब इसके क्या हुआ कि मालिक नहीं आया, इसने सवेरे टाइम वहाँ से हाथी अपना गायब कर दिया। हम लोग इसकी तलाश करते रहे, तलाश कर पूरा दिन कल तलाश किया 10 बजे रात लोग इसकी पता मिली कि भड़रा गाँव में किसी जंगल में छिपा हुआ है। तो रात्रि में हम लोग वहाँ देखते रहे, हमने अपने अधिकारियों को बताया कि सर यहाँ कहीं छिपा मिल नहीं रहा हो। फिर उन लोगों ने अपने यूपी अपने मतलब DFO साहब से बात की होगी तो उनने अपना स्टाफ भेजा, बोले भाई आप भी यहाँ से देखिए। तो ये रात्रि में यहाँ कहीं अपने श्रीनगर के पास में मिल गया, फिर हम लोग भी आ गए। क्या माना गया आप लोगों ने हाथी को रात में ले लिया? नहीं, अभी हाथी को अभी अपने कब्जे में लिए। वो ऐसा था कि जतारा जो टीकमगढ़ में पड़ता है वहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने लाइसेंस ले रखा हाथी पालने का, तो एक लाइसेंस पे ऐसा शिकायत मिली है कि वो 3 हाथी रखे हुए हैं जिसपे वन विभाग MP की जो है जांच कर रहे थे। वो हाथी ये सूचना मिली थी कि यहाँ UP में आ गया है, वो तो उसको अभी डिटेक्ट किया गया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, उससे कागजात वगैरह मांगे जा रहे हैं कि हाँ उसके पास है वैलिड लाइसेंस रखने का कि नहीं है। उसको देख सुन करके अगर वैलिड होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो चूँकि MP वाले वन विभाग वाले उसके पीछे लगे हुए हैं और उन्हीं के द्वारा इसकी जो है डिटेक्ट किया गया है तो उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा अगली कार्रवाई के लिए। हाँ, वो MP वन विभाग के द्वारा इसकी जांच की जा रही है, उन्हीं के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।